गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एकदम अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी बेहद अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, ये जो कविता है लेखक के द्वारा एक 10 से 11 साल की लड़की की भावनाएं प्रकट की गई है कि जब वो चांद को देखती है तो उसे कैसा प्रतीत होता है। बच्चों, आपने भी कभी चांद को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि चांद पे कहीं ना कहीं खड्डे जैसे नज़र आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि चांद बिल्कुल तिरछा सा हो गया है। कभी ऐसा लगता है चांद के पैरों पर बैठ के कोई औरत चरखा चला रही है ना। तो इसी तरह के जब आप बचपन चांद को देखते होगे तो तरह तरह के आपके सवाल भी आपके मन में आते होंगे, और ऐसे ही कुछ सवाल एक बच्ची के मन में आ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पहले आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। गोल है खूब, मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो गोल है मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समीत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम ही नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो बच्चों, एक जो छोटी सी लड़की है उस वो चांद के बारे में क्या सोच रही है, आइए अब हम इसका भावार्थ कविता का जानते हैं। गोल है मगर खूब, मगर तो कभी लेखक क्या कह रही है, बच्ची के कह रही है आप गोल हैं। कैसे हैं? गोल हैं मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, लेकिन फिर भी आप कैसे नज़र आते हैं, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, यानी कि बच्ची कह रही है कि जो पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, ऐसा लगता है वो आकाश आपका क्या है, वस्त्र है। तो चांद जो है गोल तो है, लेकिन कैसा नज़र आता है, तिरछा नज़र आता है। और जैसे पूरे आकाश में तारे जड़े हुए हैं, वो तारों जड़ा आकाश क्या है, चांद के कपड़े हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद ने क्या कर रखा है, सिर्फ अपना मुंह खोल रखा है जो कि कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। बच्चों, जो गोरा चिट्टा एकदम होता है ना, पूरा सी कोई भी बच्चा होता है काफ़ी मोटा ताजा होता है, गोलू मोलू सा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, गोल मटोल है। तो ऐसे ही बच्चों बच्ची चांद को क्या कह रही है, आप गोल मटोल हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समस्त आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। जाने कैसे खूब है गोकी, यानी कि चांद कह रही है, कभी बच्ची कह रही है कि चांद ने अपनी क्या कर रखा है, पोशाक को पूरे आसमान में फैला रखा है। बच्चों, हम देखते हैं ना, जब चांदनी होती है तो क्या होता है, पूरा आकाश चांद की रोशनी से, और रात को उजाला किससे होता है, चांद की रोशनी से, है ना। और तारों की अपनी खुद, तारों में तो अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो जो चांद की रोशनी से क्या होता है, उजाला होता है, तो वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है जैसे चांद ने पूरे धरती में अपने कपड़े फैलाए हैं, है ना। वाह जी वाह, हमको बुद्धू निरा समझा है। तो बच्ची कह रही है वाह जी वाह, हमको क्या समझा है, आपने बुद्धू समझ रखा है। आपको बीमारी है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी है, अगर आप घटते हैं तो बच्चों तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं।
बच्चों आपने देखा होगा कभी भी जो चांद होता है वो पूर्णिमासी के दिन पूरा रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, घटता है घटता है घटता है घटता है, कब तक घटता है, जब तक अमावस्या की रात नहीं आ जाती है, और अमावस्या की रात चांद पूरा क्या होता है, गायब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अमावस्या की रात चली जाती है, अगली रात को चांद थोड़ा सा बढ़ता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कब तक नहीं बढ़ता है, जब तक पूरा गोल ना हो जाए, ठीक है, दम ही नहीं लेते जब तक पूरे गोल ना हो जाए। तो चांद कब तक नहीं रुकता है, जब तक वो पूरी अगली पूर्णिमा नहीं आ जाती है तब तक चांद नहीं रुकता है। पूर्णिमा आते ही क्या हो जाता है, चांद पूरा बिल्कुल गोल हो जाता है। तो कह रहे हैं आपकी ये जो बीमारी है, आपका यह मर्ज अच्छा ही नहीं होने में आता। तो शमशेर बहादुर जी कह रहे हैं बच्ची के माध्यम से कि आपका ये जो मर्ज है, यानी कि आपकी जो बीमारी है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हमें, कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, घटते हैं तो घटते ही रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो शमशेर सिंह बहादुर जी के द्वारा लिखी हुई कविता हम सब ने पढ़ी, चांद से थोड़ी सी गप्पें। इससे संबंधित सवालों के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आते हैं तो उनके लिए भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, हम फिर मिलेंगे आपसे नई कविता नए पाठ के साथ, ठीक है, और तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।